अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट स्ट्रीट हंटर आपके अपने चैनल ग्लोबल व्यूअर चॉइस से। गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं कराची में बारबेक्यू की एक और पुरानी और मुनफरिद जगह, जो कि पिछले 40 साल से चल रही है, और यह है दिल्ली शाही बारबेक्यू एंड फास्ट फूड। और यहां मशहूर है धागा कबाब। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। दिल्ली शाही कबाब हाउस करीमाबाद में वाक़ है, और करीमाबाद में रशीद सन्स और स्पोर्ट्स की दुकानों की लाइन में ये शॉप वाक़ है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ का मशहूर है धागा कबाब, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास बारबेक्यू और फास्ट फूड की वसी रेंज मौजूद है, और जायका तो इनका लाजवाब है ही। तो चलिए यहाँ के ऑनर आमिर भाई से बात करते हैं। वालेकुम आमिर भाई, जरा बताएं अपने दिल्ली शाही कबाब के बारे में, कब से चल रहे हैं और क्या है मामला? तकरीबन 35-40 साल होगा। 35-40 साल से चल रहे हैं, और यहाँ पे पहले आपके वालिद साहब होते थे, अब इंतकाल हो गया। तो ये आपके जो है धागा कबाब बड़ा मशहूर है, स्पेशल मुझे कहीं और नज़र नहीं आता। क्या खासियत है, क्या किस तरह की रेसिपी है, कहाँ से आया है और कहाँ से हुआ है? हमारे वालिद साहब के टाइम थी धागा कबाब से कबाब। धागा कबाब आपके वालिद साहब के? असल में बहुत सारे लोग धागा कबाब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धागा कबाब होता नहीं है, वो सीख कबाब कोई धागा लपेट के। बाकी माशाल्लाह जायका आपका बड़ा अच्छा है, खुद पता है कि 30-40 साल से जो है ना ये चल रही है। मैं भी काफ़ी तकरीबन 2000 से तो मैं देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, फैमिली के साथ भी आता हूँ। तो फैमिली की यहाँ पे जगह है वैसे बैठने की अलग से? रूम बनाया हमने। अच्छा, फैमिली के लिए अलग इंतजाम भी है। अच्छा, इसके अलावा फास्ट फूड वगैरह भी आपके पास? फास्ट फूड है, हमारे पास कढ़ाई वगैरह कटा कट भी है, और फास्ट फूड वगैरह के आइटम भी आपके पास मौजूद है। पहले आपने मछली भी रखी हुई थी, अब नहीं है मछली? आपने कम कर दी, आपने पहले मछली भी लगाई थी? अच्छा, मछली भी थी, आप नहीं है? हमने यहाँ पे ऑर्डर किया धागा कबाब, और साथ में हमने खीरी और बारबेक्यू बीफ बोटी हमने ऑर्डर की थी। तो देखने में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है और दिलफरेब लग रही है। और यहाँ पे आप खाएंगे और हम आपको बताते हैं यहाँ का इसका टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले धागा अलग कर लेते हैं धागा कबाब से। ये एक मुनफरिद इसमें धागा लिपटा होता है, और धागा अलग करने के बाद फिर आप इसको नोश फरमा सकते हैं। तो हमारे साथ जो साथी मौजूद है उनका फीडबैक लेते हैं। हाँ भाई फैजल साहब, कैसा लगा आपका खाना यहाँ का? खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, और बारबेक्यू से यहाँ का मैं खाता हूँ मुझे पसंद है। इससे अच्छा बारबेक्यू मैंने अभी तक नहीं खाया भाई। और रोटी बहुत अच्छी है, कबाब बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात ये है कि पराठे वगैरह सब गर्म गर्म बिल्कुल, और बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा खाना। लेकिन बारबेक्यू मैं दोबारा बनूँगा तो इसको जरूर खाएगा। यहाँ का धागा कबाब जो है ना खास स्पेशल है, मशहूर है, मशहूर भी है, स्पेशल भी है, और ये हर जगह पे मिलता भी नहीं है धागा, हर जगह नहीं मिलता बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है ना सीख कबाब को देखने नहीं चाहते, धागा कबाब देखने। हाँ, बेसिकली ज़्यादा लोग समझते हैं कि शायद कबाब जो है गोला कबाब वाला कबाब होता है, कबाब असल में धागा कबाब है। और अगर आपने ये नहीं खाया यहाँ के, मतलब और इनकी मलाई बड़ी बहुत अच्छी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशल रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे फैमिली वगैरह भी आ सकती है? बिल्कुल, फैमिली वाले भी है, आपने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर, और काफ़ी कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छी है। अभी रात के तकरीबन यहाँ पे 1 बज रहे हैं, और 1 बजे भी यहाँ पे काफ़ी बिल्कुल सेफ और बहुत बेहतरीन अच्छी जगह है, और बिल्कुल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सारे सभी साथी हैं, स्पोर्ट्स की दुकान है, इसी लाइन के अंदर ही है कॉर्नर पर, और काफ़ी अच्छी स्पेस है, बेहतरीन बेहतरीन जगह। आपको कैसा लगा यहाँ पे खाना? बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त हर चीज़। तुम यहाँ पे आते रहते हो? रमेश करीब है असल में, और हमारे मशहूर भी है, एक तो बाकी जगहों से भी लोग आते हैं, लेकिन हमारे तो करीब है, तो हम ये कि कहीं भी बाहर जाना होता है तो बड़ा नाम दिल्ली शाही आता है। अच्छा, तो
खाना तो यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल शुरू से 20 साल से तो मैं भी खाना खा रहा हूँ यहाँ पे, तो इनका टेस्ट वही है, बरकरार है, बरकरार है। आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, जगह पे आए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जगह है, एमडी हॉल भी है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, हाइजीन का भी ध्यान है। चलो ओके।